तो हेलो एवरीवन, आई एम पूनम शर्मा। आई एम इंटुटिव कंसल्टेंट, योगा एंड मेडिटेशन मास्टर। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क की कनेक्टिविटी से आप सभी से थोड़ा सा मेरा संपर्क बीच में टूट गया। आप सभी इंडिया की ग्रुप ए सर्विसेज के लिए काफी जोर शोर से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक बात ये बताना चाहूंगी यहाँ पे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आईएएस की जॉब पाने के बाद भी उन्होंने अपने ड्रीम को, अपनी जॉब को क्विट किया। और वो क्यों किया ये मैं आपको बताऊंगी सेशन के बीच में। अभी अभी ये मुमकिन सी बात है कि हेलो जी, मैम, यू कैन कंटिन्यू। हेलो, मैम, कोई इशू नहीं है मैम, आप कंटिन्यू रखिए अपना सेशन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है जिसमें हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमें ये जॉब मिल जाए, हमें एक पावर मिल जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि आईएएस एक स्टील फ्रेम है, इसमें हमारी देश की जो शासन है वो टिकी हुई है। तो इसमें हमारा, आप देखेंगे कि हमारा एक जो शासन का एक एक बहुत ही जो मजबूत पिलर है वो हम ही लोग होते हैं जब हम इलेक्ट होके वहां पे, जब हम सिलेक्ट होके जाते हैं। लेकिन फिर इसके बीच में हमें डिप्रेशन और एनजाइटी होना स्वाभाविक सी बात है। तो आप सभी को कोई भी अगर डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग के, आपको कोई, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ना पीस नहीं मिलता है, हम डिप्रेस्ड रहते हैं, हमें स्ट्रेस रहता है कि क्या हम सिलेक्ट हो पाएंगे। जैसे कभी बच्चे सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो उनको वो खुशी नहीं मिलती है जब वो जॉब, आईएएस बनने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता इस जॉब से। तो आपको मैं एक बताना चाहूंगी कि स्टार्टिंग से ही आप अपने ना गोल को, अपने एक उद्देश्य को बिल्कुल क्लियर रखिए कि आपको ये बनना है तो बन के ही रहना है। लेकिन उसके बाद अगर आप जब आईएएस बन जाते हैं तो भी आपको अपने पाथ से, अपने ड्रीम से हटना नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईएएस बनने के बाद इस ड्रीम को, इस जॉब को क्विट किया था। सबसे पहला मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी सुभाष चंद्र बोस। जब उस दौरान ब्रिटिश काउंसिल में हमारे देश से, हमारे इंडिया से ये इलेक्ट सिलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने फिर उस जॉब को क्विट कर दिया था और ये आजादी की लड़ाई में अपना अपना अपने आप को इन्होंने शामिल किया था महात्मा गांधी जी के साथ। और दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी अरुणा रॉय, ये राजस्थान से, इन्होंने 19, इनका मैं अगर आपको बताना चाहूँ, आप इनके बारे में पढ़िएगा, इन्होंने भी अपनी आईएएस की जॉब को क्विट किया था और फिर ये सोशल वर्क में लग गई थी राजस्थान में। इन्होंने फिर सभी को सूचना प्रसारण जो सुविधाएं होती हैं वो प्रदान करी। तो हमें, अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने ड्रीम को, अपने उद्देश्य को क्लियर करेंगे तो हमें ये जो हम बात नहीं, मुश्किलें जो अपने कहते हैं कि हमें ये आती है, हम फेस करते हैं, वो नहीं आएंगी। तो आपको क्या करना है, आपके सामने एक, आपको डेली अपनी डायरी में अपने कुछ गोल्स बनाने हैं कि मैं, मुझे ये करना है, कुछ अफर्मेशंस डालने हैं। आपको 8 से 10 घंटे, जैसे आप अपना रेगुलर पढ़ाई करते हैं, अपने सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देते हैं, जो आपने चूज किया है उसको टाइम देते हैं, जो आपने अपने और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो जनरल होते हैं, जो भी हिस्ट्री होती है, उन सबको आप टाइम देते हैं, उसी के दौरान आपको डेली 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भी टाइम निकालना है। और उसमें आप कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, म्यूजिक, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। इससे आपके अंदर क्या होगा, कामनेस थोड़ी सी डेवलप होगी, आप शांत रहेंगे। और जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी को ही अपनी जिंदगी से जीरो कर देते हैं तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको अपनी डेली लाइफ में अपने स्टडी के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन को भी करना है, या फिर जो आपको अच्छा लगता है आपको वो एक्टिविटी ऐड करनी है। ऐसा नहीं है कि एंजाइटी और स्ट्रेस होना गलत बात है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। अगर एंजाइटी और स्ट्रेस अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क पर हावी करते हैं, और जो हमारी नर्व सिस्टम होती है वो जब स्ट्रेन हमारे उसमें आ जाता है तो वो काफी गलत काम होते हैं जो वो करती है, और इसी से प्रभावित होकर हम सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। तो मैं उन बच्चों को यही एक शिक्षा देना चाहती हूँ, एक मेरा मैसेज है जो मैं उन्हें देना चाहती हूँ कि कभी भी निराश नहीं होना। जिंदगी यही खत्म नहीं होती है कि अगर हम आईएएस में सिलेक्ट नहीं हुए तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं, बहुत से ऐसे और भी हमारे पास कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं जिन्हें हम अटेम्प्ट करते हैं, जिन्हें हम सिलेक्ट करते हैं, और उनकी भी यही क्वालिटीज होती हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास सत्ता आती है लेकिन अगर हम उस सत्ता को चला नहीं पाते हैं तो भी हम परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको छोटे से एक मैसेज में यही बताना चाहती हूँ कि आप आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो बहुत मजबूती के साथ पहले अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, और अपने गोल को डायरी में नोट डाउन कीजिए, उसके अंदर अफर्मेशंस डालिए कि मुझे इसको क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन और भी हैं। सभी की क्वालिटीज, हर किसी जॉब की क्वालिटीज अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आपको और किसी जॉब में इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, ये सब सुविधाएं नहीं मिलेगी, सभी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आईएएस जब हम बनते हैं तो एक हमारे पास पावर आ जाती है, एक सत्ता आ जाती है, लेकिन कई लोग उसका गलत यूज भी करते हैं। तो आपने देखा होगा जब एक राजा रानी दोनों शासन चलाते हैं तो वो परेशान भी बहुत रहते हैं। तो आपको उस परेशानी के लिए भी तैयार करना है अपने आपको कि अगर मैं इस सर्विसेज को प्राप्त करता हूँ
तो मेरे पास चैलेंजेस की कमी नहीं है, मेरे पास और भी चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी परेशानी को खुद सॉल्व कर लेगा तो वो आपके पास नहीं आएगा। अगर वो आपके पास आता है तो बहुत सोच विचार करके आता है, और उसको आपको सोल्यूशन देना है, तो आपको अपने आप को स्टार्टिंग से ही मजबूत करना है कि जिंदगी खत्म नहीं होती अगर आप सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि 99% चांसेस होते हैं कि हम सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। पर अपना प्रयास को आप जारी रखिए, अपने डेली लाइफ में थोड़ा सा मेडिटेशन को लाइए, योगा करिए, म्यूजिक सुनिए, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एक घंटा टाइम नहीं निकालना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि एक घंटा बहुत ज्यादा है, तो आप 10 मिनट टाइम निकालिए, लेकिन टाइम जरूर निकालिए। तो पीयूष आप बताइए बच्चों को, अगर किसी को कुछ पूछना है मुझसे मेडिटेशन कैसे करना है या फिर स्ट्रेस को कैसे कम करना है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको परेशान कर रही है, वो मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी जिसको भी जो भी डाउट्स हो वो अपने आप को अनम्यूट करेगा, क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद खुद को म्यूट कर लेगा। नसीरुल इस्लाम, आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जी गुड इवनिंग मैम। जी 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 मैम, बहुत अच्छा लगा आपका, मतलब आपके साथ जो आपकी बातें बहुत इंस्पिरेशनल थी, धन्यवाद आपका। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, मतलब जो आप सिट्रस की बात करती है, तो मतलब हाँ ये होता है, मतलब कभी हम सोचते हैं तो मतलब जो होते हैं, मतलब जो मतलब जो स्टेज होती है, तो स्टेज में इंसान मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती है, मतलब दिमाग को गुमराह करने में, मतलब और ये मतलब कभी हम ज्यादा लोग आज अगर हम प्रेजेंटली देखते हैं व्हाट्सएप पे भी ज्यादा बिजी रहते हैं, तो मतलब हम मतलब टाइम नहीं निकाल पाते हैं किसके लिए, मतलब कि पूरा फोकस करें, फिर ऊपर से मतलब आप मतलब थोड़ा हेल्थ की और भी गौर करना है, तो उसके लिए हमें मतलब आज के अगर हम जो देखते हैं, मतलब कुछ मतलब मूवीज देखते हैं और भी मतलब व्हाट्सएप पे लगे होते हैं कुछ, मतलब सोशल मीडिया पे ज्यादा, तो इसके लिए मतलब मतलब किस या अगर ज्यादा पढ़ेंगे कभी स्ट्रेस हो जाता है, कभी मतलब मन नहीं करता है पढ़ने का, मतलब लेक्चर पढ़ते या कोई बुक्स पढ़ते तो अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब वो ऐसा बोर सा लगता है। नहीं देखिए, पहली बात तो ना आपको बोर नहीं होना, आपको अपना गोल खुद डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। आप जैसे सोशल मीडिया के लिए टाइम निकालते हैं, आप यूट्यूब भी देखते होंगे, आप इंस्टाग्राम में भी देखते होंगे, तो आप ये सोचिए कि जब आप अपने फोन को अपने सभी सब्जेक्ट्स में टाइम देने के बाद 8 से 10 घंटा पढ़ते होंगे डेली, क्योंकि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम सिलेक्ट मतलब कि उनको क्रैक करना इतना वो आसान बात तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक कर जाते हैं और वो यूट्यूब सोशल मीडिया इन सभी में भी लगते हैं, जुड़े रहते हैं। अपने आपको क्या करना है, हमें एक्टिव रखना है। तो आप अगर आप एक घंटा नहीं दे पा रहे हैं इस्लाम, तो आप क्या कीजिए, आप 10 मिनट अपने आप को दीजिए, अपने फोन को थोड़ा सा साइड में रखिए, बिल्कुल बंद करके आप फोन को हटा दीजिए, 10 मिनट बिल्कुल फोन बंद, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, 10 मिनट आप सिर्फ आंखें बंद कीजिए, और आप जैसे सोते हैं या फिर आप बैठे हैं या फिर आप चल रहे हैं, सिर्फ खुद के लिए सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं, जो आप 8 से 10 घंटे अपने अपने डेली लाइफ में अपने स्टडी को टाइम दे रहे हैं, अपने पैसों को टाइम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है जनरल अवेयरनेस कुछ भी ऐसे कॉम्पिटेटिव जो आप बुक्स खरीदते हैं, जो आपको नॉलेज गेन करते हैं, उन सभी पे आपका थोड़ा सा फाइनेंशियली भी तो आप स्पेंड करते हैं ना, तो उन सभी को अर्न करने के लिए अपनी आपको हेल्थ को भी थोड़ा सा एक्टिव रखना है और अपने माइंड को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है। 10 मिनट आंखें बंद कीजिए, थोड़ा सा ध्यान में जाइए और थोड़ा सा अपने आपके अंदर सोचिए कि आपको क्या चाहिए, और फिर आप ना मुझे बताइएगा, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, आप उसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये परेशानी है, या फिर आप इसी के माध्यम से जो अभी हम सेशन ले रहे हैं आप आईएएस का, इसमें भी आप फिर से जोड़ सकते हैं और फिर से अपनी क्वेरीज ला सकते हैं, लेकिन 10 मिनट अपनी लाइफ में आप दीजिए। जी मैम, तो मैम अगर हम सेटिस्फिकेशन की बात करें तो मतलब हाउ टू गेट सेटिस्फाई आवरसेल्व्स। सेटिस्फाइड तो देखिए कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो इस ड्रीम को प्राप्त भी कर ले, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जब वो खुशी हमें मिल जाती है कि जो हम जिसके लिए काफी लंबे टाइम से प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन अगर आप सिर्फ डेली थोड़ा 10 मिनट अपनी आंखों को बंद करके देखिए, क्योंकि मेडिटेशन को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बहुत बड़ी बात है, ध्यान को कोई भी परिभाषित कर ही नहीं सकता, तो मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ, लेकिन अगर आप रोज 10 घंटे अपनी आईज को बंद करके सिर्फ खुद के लिए सोचेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि सेटिस्फेक्शन का असली अर्थ क्या है। जी यस मैम, थैंक यू मैम। और किसी का कोई डाउट वो अपना पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मायसेल्फ ज्योति रस्तोगी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मुझे ये पूछना है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर हूँ जी। मेरा वर्क मैम इतना ज्यादा हो जाता है और कि मतलब कि शाम को 4 बजे तक हो नहीं पाता है, तो बॉडी मेरी बहुत ज्यादा थक जाती है काम करते करते, तो प्रिपेयर मतलब स्टडी करने के लिए थोड़ा मेंटेन नहीं हो पाता, तो उसको किस कैसे करें। आपकी आप ये कह रही है ना कि आप 4 बजे तक फ्री नहीं हो पाती है और आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है। एक्चुअली 2 बच्चे भी हैं, उनको मेंटेन करना, ऑनलाइन वर्क देना, बच्चों को वर्क कराना,
स्कूल में भी टाइम देना पड़ता है और फिर उसके बाद आके बच्चों के साथ लगना पड़ता है, तो इस वजह से जो बाद में टाइम बचता है तो उसपे तो कर लेते हैं, लेकिन बॉडी इतनी ज्यादा टायर्ड हो जाती है कि मोटिवेट भी नहीं हो पाते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन दूंगी ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मैं भी दो बच्चों की माँ हूँ और मैं भी डेली सेशन लेती हूँ मेडिटेशन के, योगा के, काउंसलिंग करती हूँ, मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करेंगे मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने मेडिटेशन को टाइम जरूर देती हूँ। आपको पता है क्या करना है, आप सोती है ना, सोती तो होंगी ना, तो सोने से पहले आप 10 मिनट अपनी आईज क्लोज कर सकती है, ओके, है ना। आपको मैंने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है कि आपने सोने से पहले पूरा नहीं सोना है, आपने आधा सोना है, 10 मिनट अपने आपको देना है और सोचना है कि आपके दो बच्चे हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है, आप टीचर हैं, फिर भी आप अपने लाइफ में आईएएस बनना चाहती हैं, तो क्या उसके बाद आप संपूर्ण मतलब कि आपको पूर्णतया वो खुशी मिलेगी जो आप चाहती हैं, जो अभी आप कर रही हैं, तो आप देखिए कि आपको क्या आंसर मिलेंगे आप, और वो आंसर आप मुझे बताइए, नोट डाउन करके रखना आप डायरी में कि आपको क्या आंसर आपके दिमाग में आपके मस्तिष्क निकलते हैं, और वो आप मुझे बताइएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा। ओके ओके थैंक यू। मैंने आपको ओवरऑल सोल्यूशन दे दिया कि आप पहले 10 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए, मेडिटेशन को देखिए क्या होता है और इसके क्या खूबियां है, आप करके देखिए, फिर आपसे मैं जरूर बात करूंगी। कपिल जी का कोई क्वेश्चन आ रहा है, कपिल जी आपका जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कपिल राणा जी मैम, मेरे दो क्वेश्चन है छोटे से, एक तो म्यूजिक से रिलेटेड है मैम, म्यूजिक सुनने से स्ट्रेस रिलीफ आता है, रिलीज होता है, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पुट किया है, क्योंकि मैं अगर मेडिटेशन को यहाँ पे बढ़ावा दे रही हूँ या फिर उसको प्रमोट कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही ऑप्शन दिए हैं कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब हम सोचते हैं कि हमें ये हमें सिलेक्ट करना है, इसको क्रैक करना है, फर्स्ट अटैम्प में क्रैक करना है, तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आते ही है। आप क्या कीजिए, आपको जो भी म्यूजिक पसंद है आप उसको चलाइए और फिर उसमें ना ध्यान को कहते ना एक अपने अंदर का जो ध्यान होता है उससे उसकी कनेक्टिविटी कीजिए और फिर देखिए आपके अंदर क्या विचार आते हैं, वो कौन से थॉट्स हैं जो आपके अंदर एक्टिव होते हैं और वो आपसे बातें करते हैं। आप देखिए म्यूजिक भी कहते हैं ना कि जैसे हम ड्राइंग करते हैं, हम पिक्चर बनाते हैं, तो फिर हम उस पिक्चर को देखते हैं, वो पिक्चर भी बोलती है, तो आप देखिएगा कि अगर आप म्यूजिक को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मस्तिष्क उसमें इन्वॉल्व होता है और आप अपने म्यूजिक से भी खुद बातें करते हैं, आप खुद भी गुनगुनाने लगते हैं, आप बहुत अच्छा लगता है आपको, आप इंजॉय करते हैं कि मैं आज ये सॉन्ग सुन रहा हूँ, मुझे इसको सुन के बहुत अच्छा लगता है और खुशी मिलती है, तो वहां पे आप अपने स्ट्रेस को खुद मात देते हैं, उसको चैलेंज करते हैं कि तू मेरे ऊपर हावी होके तो देख, मैं तेरे को वहीं खत्म कर दूंगा। कहते हैं ना कि हम अगर अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं तो हम तभी जीतते हैं हर बुरी चीज से। जी हाँ मैम। और दूसरा क्वेश्चन पूछिए आप। जी मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, अभी बहुत से लोग हमें ये बोलते हैं आपको जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सोसाइटी से थोड़ा डिटैच होना पड़ेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर हम सोसाइटी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें डिटैच भी होना पड़ेगा, हमें और सोसाइटी से मिलना चाहिए ना? जी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए डिटैच हम कभी भी किसी से नहीं हो सकते, अगर ये जीवन हमें मिला है, हमें ये भगवान ने ये जिंदगी दी है जो बहुत खूबसूरत है, हम किसी से भी डिटैच तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारी बॉडी में हमारी आत्मा है, हमारी सोल है, हमें कोई किसी से भी डिटैच नहीं कर सकता। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी कि आपको डिटैच होना है, आप सोसाइटी में बने रहिए, समाज में बिल्कुल एक्टिव रहिए, सभी को अपना टाइम दीजिए और सिर्फ सिविल सर्विसेज को 8 से 10 घंटे का टाइम मैनेजमेंट, एक डिसिप्लिन, एक प्रतिष्ठा, उसका जो टाइम कहते हैं ना वो बना के रखिए, बाकी सारा टाइम आपका है। जी थैंक यू सो मच। और किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अनुप्रिया जी, प्रीति सिन्हा जी, जिसका भी कोई डाउट हो दे कैन आस्क डायरेक्टली। सर्वेश जी, आकांक्षा, जितेश, आस्तिक जी, आपका कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो तो आप ही पूछ सकते हैं। हाँ जी पूछिए। हेलो अनुप्रिया जी, आपकी आपका जो वो है वॉइस क्रैक कर रही है, जिसे भी पूछना है क्वेश्चन वो पहले अपने को अनम्यूट करेगा, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा और खुद को म्यूट कर लेगा। क्वेश्चन ये है कि इसने एक लड़के ने यहाँ क्वेश्चन किया था कि सोसाइटी से डिटैच होने का। जी तो मतलब जब सोसाइटी से डिटैच होने की बात करते तो हम मतलब अगर मतलब यहाँ पे बहुत एक तो आपने मतलब जो 10 घंटे की बात की उसमें मतलब कि अगर हम सपोज हम मतलब रेगुलरली पढ़ रहे हैं, हम मास्टर्स कर रहे हैं तो 10 घंटे मतलब सपोज 5-10 घंटे हम उसके साथ चले गए, किसके साथ मतलब क्लासेस वगैरह के साथ, तो उसके बाद जो टाइम बचा है अगर हम सपोज कोचिंग भी ले रहे हैं तो 4 घंटे हो गए, 14 घंटे बाद में हमारे पास 10 घंटे, उसमें से थोड़ा सोना भी है 4-5 घंटे मिनिमम, तो खाना तो मतलब हमारे मतलब इस टाइम में तो हमारे पास 10 घंटे नहीं बचते। तो दूसरी बात जो सोशल डिटेचमेंट किसकी बात की, तो पिछले साल जब हम देखते हैं कनिष्का कटारिया का जब इंटरव्यू आया था उसने कहा कि इट इज ऑनली बिकॉज ऑफ गर्लफ्रेंड, तो डैट मीन्स की ही इज टोटली अटैच्ड विद सोसाइटी।
जी तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? नाम मुझे स्क्रीन में नहीं आ रहा आपका। निसारुल इस्लाम, निसारुल इस्लाम। ओके इस्लाम जी, आपने जो मैंने आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैंने 10 घंटे बिल्कुल नहीं बोला, मैंने 8 से 10 घंटे बोला है। अगर आप टाइम देते हैं, आपने 8 से 10 घंटे आप दे रहे हैं अपने आप को, फिर आपने बोला कि आप 4 घंटे कोचिंग को भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो आपका टाइम बचता है आप खाना भी खाते हैं और भी फिर उसके बाद सोना भी होता है, तो इसमें सोशल डिटैचमेंट की बात हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रही हूँ। ये जिसका भी क्वेश्चन था जिन्होंने किया था, तो आपको मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली आपको पूछना क्या है, डिटैचमेंट की बात कैसे, किस विषय पे पूछना चाहते हैं? डिटैचमेंट की बात मैं कह रहा हूँ कि जो पिछले साल का मतलब जो कनिशा कटारिन जब इंटरव्यू दिया था, जब पहली क्वेश्चन दी थी, उसने बोला था इट इज ऑनली बिकॉज ऑफ गर्लफ्रेंड, उसने गर्लफ्रेंड का मतलब बात की थी। ठीक है, देखिए बात तो ना, जो भी अब कहते हैं ना कि जो एस्पायरेंट होते हैं, जो सिलेक्ट भी हो जाते हैं, जो बन भी जाते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो बताते हैं, हर कोई अपने अपने विचार आपके सामने रखेगा, लेकिन सबसे पहले उद्देश्य जो आपका एम है वो तो आपने निर्धारित करना है ना। अब मैं भी यहाँ पे आपको बैठे बैठे ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है तो आपने पढ़ना ही है, आपकी मर्जी है ना, आप 5 घंटे भी पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, है ना। और आप अगर 2 घंटे भी देंगे ना, कहते हैं कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए ना हमें पहले खुद को ये खुद से बात करनी पड़ेगी कि हमें उसको क्या एक टाइम मैनेजमेंट निर्धारित करना है। और मैं आपको यहाँ पे 1 घंटा तो बोल ही नहीं रही हूँ कि आपको मेडिटेशन के लिए देना है, मैंने आपको बोला कि सिर्फ आपको 10 मिनट देने हैं। आप खुद सोचिए ना, 10 मिनट अगर हम अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी को देंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी खाने में भी अगर हम नहीं, मैं कह रही हूँ हम खाने में भी टाइम लगाते हैं, हम आधा घंटा अगर खाना खा रहे हैं उसमें भी वो भी टाइम हमारा चले गया, फिर हम कोचिंग क्लासेस में भी टाइम दे रहे हैं, हम और भी जनरल सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज को भी टाइम दे रहे हैं, तो सिर्फ हम 10 मिनट क्यों नहीं अपने आपको दे सकते? आप 10 मिनट देखिए, देखिए आपको अच्छा लगेगा, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। और आप डायरी में रोज अपनी अफर्मेशन नोट कीजिए कि आज मैंने 10 मिनट सिर्फ खुद के लिए दिए हैं, मैं 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ मैंने खुद से बातें करी है, अपने गोल को मैंने निर्धारित किया है। जी मैम, जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड, हाँ यस, अनुप्रिया जी आप अपना क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, क्योंकि कई बार जो है वॉइस आपकी क्लियर नहीं हो रही है। सो मैम यहाँ पे शिव सागर महतो का क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बार एक्सरसाइज स्टार्ट किया लेकिन 10-15 दिन के बाद फिर मन में आने लगता है, इतना समय का उपयोग पढ़ाई में किया होता और कल करते हुए ये समय लंबा खींच जाता है, फिर मेडिटेशन एक्सरसाइज रनिंग के पीछे छूट जाता है, सो हाउ टू मैनेज इट? नहीं मुझे समझ में नहीं आया कि कितना टाइम दिया था एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में, क्या बोला आपने पीयूष जी? मैम लगभग कि हर रोज जो है, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की 10-15 दिन, बट उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ये लगा कि अगर मैंने इसका इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में किया होता सो उसमें डेफिनेटली मैं कुछ कर लेता, तो मैं ये छोड़ देता हूँ, फिर दोबारा से मेरे मन में एक्सरसाइज का आता है और मतलब ये रूटीन एक वो हो जाता है और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती और वो भी नहीं हो पाता, तो हाउ टू मैनेज इट? ओके इनका नाम क्या है पीयूष जी? मैम शिव सागर महतो जी का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इनको बताना चाहूंगी, शिव सागर जी मैं आपसे बोलना चाहूंगी, पहले आप ना अभी आप अपने एम से बिल्कुल इधर उधर डगमगा रहे हैं, आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको एक्सरसाइज, आपको मेडिटेशन, योगा, इन सबको टाइम देना है या नहीं देना। अगर आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको इसको टाइम देना है तो आपके अंदर ना खुद ही एक मैनेज, जो आपने क्वेश्चन पे ना हाउ टू मैनेज, आप खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कैसे मैनेज करना है। आप एक्सरसाइज को टाइम दीजिए, आप 5 मिनट टाइम देके देखिए, 10 मिनट टाइम देके देखिए, फिर आपको ये रियलाइज, कभी आप ये बाद में सोचेंगे नहीं कि आपने काश इतना टाइम अपनी स्टडी को दिया होता तो शायद वो चेंजेस आपके अंदर नहीं आते। मैनेजमेंट हमें खुद बनाना है, हमें खुद डिसाइड करना है, हमें कोई नहीं बताएगा। प्रीति सिन्हा की बार आस्किंग अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क नाउ। प्रीति सिन्हा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। जी जी हेलो प्रीति। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मन को हम कैसे शांत करें, जैसे कि पढ़ाई का मन होता है तो उस समय मन जो होता है भटक जाता है कुछ सेकंड के लिए, हम ये भी नहीं चाहते कि कुछ सेकंड के लिए भी भटके, हालांकि हम अपने पढ़ाई को प्रॉपर मतलब 8 से 10 घंटे देते हैं, योगा भी करते हैं सुबह में शाम में, फिर हम अपना जो वर्क होता है वो भी करते हैं, हर तरीके से हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मन भटकता है, उस चीज को हम कैसे करें जिससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप किया है प्रीति जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप किया, क्योंकि आपने तो सारा जो सेशन है ना उसका सारी इस क्वेश्चन में आप लेकर आ गई हैं। मन एक सबसे, जी पूछिए पूछिए, आप कंप्लीट कीजिए अपना क्वेश्चन। नहीं नहीं, क्योंकि ये सब अक्सर होता है कि हम अपने मन को शांत, हालांकि जब हम योगा कर लेते हैं सब कुछ तो ये कुछ देर के लिए शांत हो जाता है मेरा मन, हम पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं बट आफ्टर सम टाइम वही चीज होती है, देन हम म्यूजिक भी सुनते हैं, जो आप म्यूजिक की बातें कर रही हैं उसका भी मैंने टाइम दे रखा है कि इवनिंग के टाइम में म्यूजिक सुनना है, वो म्यूजिक सुनना है जो हमारे मन शांत करे, जो हमें अंदर से खुश रखता है, तो वो मैं सुनती ही हूँ
सब कुछ सही होती है चीजें, लेकिन जैसे ही कुछ पल बीतते हैं बस उस पल के बाद फिर से मन पे काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसे हम कैसे कंट्रोल करें विद इन सेकेंड, नहीं ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं, ये ऐसे करो ये सही रहेगा, ये मुझे आप बताइए, मुझे ये बेस चाहिए। जी कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन प्रीति जी। अच्छा मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप किया है, क्योंकि मैं अभी बीच में मन के बारे में ही बात करने वाली ही थी। मन इतना स्ट्रॉन्ग यंत्र, मन एक ऐसा यंत्र है प्रीति जी, ये हम क्या इसे तो कोई भी शांत नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे शांत भी कर सकती हैं, क्योंकि हमें अपने मन की बातें ही नहीं सुननी है, आपको डाइवर्ट करना है अपने आप को। आपका मन बोलता है कि आप ये काम करो तो आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी होती है, आपके मन ने आपको ये आभास कराया कि आज आप दुखी हो तो आप दुखी भी हो जाती हो, वही आपका मन कहता है कि आज आप ना तू ये काम कर ले ये गलत है काम, तो आप सोचती भी क्यों गलत है लेकिन आप कर डालती हो उस काम को, फिर क्या होता है बाद में गिल्टी होती है ना, पछताती है ना कि ये काम मैंने कर लिया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने मन को हराना है, उसकी बातें सुननी ही नहीं है, आपको वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, आपके आपको अपने मन की बातें बिल्कुल नहीं सुननी अगर आपको आपका मन इतना विचलित करता है। हेलो हाँ हाँ जी मैम आपको मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं आपकी बातें यही पे मतलब ये कहने वाली हूँ कि मैं वो सारी चीजें करती हूँ जो आप बता रही हैं अभी, कि मन जब विचलित हो तो उसे कैसे डाइवर्ट कर ले किसी अच्छी चीज में, वो भी हम करते हैं। क्या किया आपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, आप मुझे बताइए। जैसे आपने बोला कि आपने 10 आप म्यूजिक भी सुनती हैं, आपने उसका टाइम दिया हुआ है कि आपने म्यूजिक सुना, आपने योगा किया, आपने मेडिटेशन किया, लेकिन आपको ना वो शांति नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए, तो आपने उसको डाइवर्ट करने के लिए क्या किया बताएं आप मुझे। जी मैं बताती हूँ, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो पढ़ाई करते करते अचानक से मन में कुछ और ख्याल आ जाते हैं, तो उस में मतलब माइंड को डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको। तो नहीं नहीं प्रीति जी कोई मुश्किल नहीं है, आप मेरे से ना पर्सनली अगर आपको कोई भी आपको मन को कैसे शांत करना है, मैं मेडिटेशन सेशन देती हूँ, मेरा YouTube चैनल भी है और WhatsApp कंसल्टेशंस भी होती है आपके, लेकिन पर्सनल कोई भी इस तरीके से विचार है कि आपका मन शांत नहीं होता वो सब हो जाता है, बहुत ही छोटी सी बात है। आपने आपको पता नहीं आप कितने जल्दी अपने मन को ना चुटकी में आप शांत कर सकते हो, फिर आपका मन आपसे बोलेगा ना कि प्रीति जी अभी ज्योग्राफी पढ़ो आप हिस्ट्री मत पढ़ो, आप पता है उसे क्या बोलूंगी, मैं हिस्ट्री ही पढ़ूंगी मैं तेरी नहीं सुनूंगी। तो मन को कैसे डाइवर्ट करना है मैं आपको बताऊंगी, आपको मैं पर्सनल इसके बारे में कैसे स्टेप्स होते हैं, एक्चुअली बहुत प्रोटोकॉल होता है, लंबा प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि मन एक ऐसा यंत्र है ना, ये मस्तिष्क से भी बड़ा काम कर जाता है, और कुछ ऐसे हम गलत काम करने से बच भी नहीं पाते हैं, पर हम कर लेते हैं। तो इसको इस प्रोटोकॉल को मुझे आपको ना थोड़ा सा डिटेल में समझाना होगा, तो आप अगर चाहती हैं तो आप मेरे से अलग से सेशन ले सकती हैं, या फिर आप अपने मुझे क्वेश्चन अभी चैट बॉक्स में आप छोड़ दीजिए, मैं आपको बाद में इसके बारे में बता दूंगी। जी आप कर सकती हैं, आप उनसे भी मतलब बात कर लेंगी तो वो भी मतलब हम लोग को हेल्प कर देंगे, क्योंकि वो तो इंटरमीडिएट है हम दोनों के बीच में। तो नहीं नहीं बिल्कुल प्रीति जी, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि मन को कैसे आपने शांत करना है, तो मेडिटेशन का एक ही नहीं होता, इसके सर्विसेज इसके प्रोटोकॉल बहुत सी खूबसूरती हैं, इसके तरीके अलग हैं, इसकी वैरायटीज ऑफ मेडिटेशन होते हैं, मन को कैसे शांत करना है उसका मेडिटेशन एक अलग से होता है। आपका अगर आपने अभी आज ठान लिया है कि मैंने आज इतने घंटे अपनी जर्नल स्टडीज को देने हैं, वहीं पे आपके मन ने बोला कि अभी योगा कर लो प्रीति जी, तो आपको पता है क्या करना है, आपको उसकी बिल्कुल नहीं सुननी, और वो क्यों नहीं सुनोगे, उसको डाइवर्ट करना नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आपने एक दृढ़ता के साथ अपने मन को हराया है और आपने 8 से 10 घंटे अपने सिर्फ स्टडीज को दिए हैं, उसके बाद सिर्फ आप 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके उस विचार को अपने अंदर लाने की कोशिश करना कि आपने ये सही किया है, और वो क्या आंसर आता है मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगी कि आपको पहले आप मुझे ना बताइएगा कि आपके आपके माइंड में वो आंसर आया क्या, आपके मन ने आपको क्या बताया। अंकित कुमार जी का क्वेश्चन है, अंकित कुमार यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट कीजिए खुद को और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। अंकित कुमार जी मैम जी अंकित जी हेलो गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन था कि समथिंग जब कुछ याद करना चाहते हैं तो मतलब माथा दुखने लगता है, दर्द करने लगता है, तो ऐसे कंडीशन है फिर मतलब जल्दी उनको याद भी नहीं होता है, तो फिर क्या करना चाहिए। देखिए अंकित जी आपने बोला ना कि आपका माथा यानी कि आपका मस्तिष्क आपका सर इतना दुखना लगता है कि आपको वो याद ही नहीं होती वो चीज, सबसे पहली बात तो ना आपको अपने अंदर ना संयम लाना है, आपको अपने अंदर पेशेंस लाना है कि आपको अगर इसको याद करना है तो आपको इसमें टाइम लगेगा याद करने में, आप उसको रिपीट कीजिए, उसको ना दोहराइए, अफर्मेशन लाइए अपने अंदर कि एक सेंटेंस आप पकड़ लीजिए डेली और आप उसको ना रिपीट करके देखिए, आप मिरर के सामने बैठिए, थोड़ा सा पहले मिरर से आपको 2-3 बार बातें करनी है कि मैं अभी आपको कुछ सुनाऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारी परछाई होती है, वो परछाई कौन सी होती है, जो मिरर होता है। आप मिरर के सामने बैठिए, जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है पहले आप ना अपने दोस्त से अपने मिरर से बातें कीजिए कि आज से तू मेरा फ्रेंड है,
और जो मैं तेरे को ये समझा रहा हूँ या फिर पढ़ा रहा हूँ तो इसको ना जरा समझ, उसको रिपीट कीजिए, उसको 5-6 बार पढ़िए और फिर देखिए आपके माइंड में अगर दर्द होता है तो आप जरा मुझे बताइएगा, मैं देखूंगी आपको क्यों दर्द होता है, क्योंकि अलग सी बातें हैं। हमें पहले संयम लाना है अपने अंदर, पेशेंस लाइए कि आपको ना इन सब चीजों से परेशान नहीं होना कि अगर दर्द होता है होने दीजिए दर्द, कितनी देर रहेगा, आधे घंटे, एक घंटे, आप फिर भी रिपीट कीजिए थोड़ा सा, 10 मिनट आंखें बंद कीजिए और ओम का अगर आप उच्चारण करना चाहते हैं, कहते हैं ना कि अगर हम ओम ध्वनि को उच्चारित करते हैं 10 मिनट और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिए और देखिए चेंजेस कितने अच्छे से आपकी लाइफ में आते हैं, आपके सर दर्द कैसे जाता है, और अगर नहीं जाता है तो आप मुझे जरा बताइएगा, क्योंकि इसके भी अलग से सेशंस होते हैं मेडिटेशन के। जब सर दर्द करने लगता था तो मतलब छोड़ देते थे याद करने, फिर मतलब 2-3 बार पढ़ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। आप मिरर से फ्रेंडशिप तो कीजिए, पहले आप मिरर को अपना फ्रेंड बना के देखिए और फिर उस टाइम पे ना आपके पास आपका फोन नहीं होना चाहिए, फोन को बिल्कुल आपने साइड में रखना है, मिरर से फ्रेंडशिप कीजिए, उससे अपने क्वेश्चन उसके साथ आपको दोहराने हैं, फिर आप मुझे बताना कि आपको सर में दर्द होता है या नहीं होता। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया आपके क्वेश्चन का अनुप्रिया रावत, आपके पास आपका फोन नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के टाइम कि अभी हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें अभी ये याद नहीं हो रहा है, लेकिन मैम एक एड्रेनल हार्मोन है, जैसे अभी एग्जाम के टाइम में अगर हम एक पन्ना रीड करेंगे तो हमें वो इमिडिएटली याद हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे फियर एक हमारे लिए अच्छा रोल भी प्ले करता है याद कुछ याद करने में। जी, तो आपकी मतलब कि फेयर से काफी अच्छी फ्रेंडशिप है जी कपिल जी, आपकी फेयर से काफी अच्छी आपने गहरी दोस्ती की हुई है, मतलब है ना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि फेयर किसी का दोस्त भी है। कहते हैं ना कि किसी भी चीज को ना डर से याद नहीं करना, मैंने अभी एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल बताया ना कि आपको उससे पहले फ्रेंडशिप करनी है, अगर हम डर से किसी चीज को याद करते हैं ना, तो आपने अभी एड्रेनल एक सेल्स का नाम लिया है ना, हमें ना एक्सटर्नल जो भी एड्रेनल आपने हार्मोन बताया ना, हार्मोन्स के एक्चुअली टाइप्स बहुत होते हैं, हमारा जो बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना उनकी अलग अलग एक तंत्र होते हैं, उनके काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो हमें किसी भी चीज को ना एक्सटर्नली उसके बारे में नहीं जाना, हमें उसको इंटरनली उसको इंटेंसिव तरीके से लेना है, उसकी जो अंदरूनी खासियत है उसको पढ़ना है। आपसे मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ना फेयर को हटाना है, ये नहीं कि अगर आप किसी अभी आपने बोला कि आप किसी क्वेश्चन से डर जाते हैं उसका एक पेज आपको याद हो जाता है, बाकी आप किसी चीज से नहीं डरते हैं तो आपको याद नहीं होता, नहीं आपको डरना नहीं है। पहली बात तो ना, अगर आपने फेयर से फ्रेंडशिप की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप कर लोगे सारा कुछ, आप एक पेज के आप 10 पेज भी याद कर लोगे, क्योंकि आप बहुत बड़ी बात कही है आपने कि आपकी आप अगर फेयर को देखकर एक किसी क्वेश्चन को याद करते हो तो बहुत अच्छा चैलेंज भी है ये आपके लिए। जी मैम, एक डेडलाइन सेट हो जाती है कि इस टाइम तक यस और हम डेडलाइन अगर अपने एक टाइम मैनेजमेंट के अंदर लाते हैं तो डिसिप्लिन भी आता है, और डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है, तभी हमारे अंदर ना प्रतिष्ठा भी आती है कि हम इस जो कहते हैं ना कि सिविल सर्विसेज, इस ग्रुप ए सर्विसेज को प्राप्त करके रहेंगे। सो डिसिप्लिन जब हमारे अंदर आएगा तो हम अपने फियर से भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जी मैम, मैं एक आपसे छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपने कॉलेज एग्जाम टाइम में ब्राह्मरी योगा जो आंख बंद करके प्रैक्टिस करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, उसमें वो प्रैक्टिस किया था, उससे मुझे काफी अच्छा बेनिफिट मिला। तो बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मरी तो पता है आपको, नहीं बहुत अच्छी बात है, कोई तो आपको पता है 2 मिनट भी आईज बंद नहीं कर पाएगा, मैंने तो फिर भी आपको 10 मिनट बोला है, आपने अगर ब्राह्मरी योगा किया हुआ है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं मेडिटेशन, आपको कुछ और ज्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। जी मैं उसे 30 मिनट्स तक करता था लगातार सेशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अनुप्रिया रावत जी का क्वेश्चन है, अनुप्रिया जी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अनुप्रिया पीयूष जी ये लास्ट क्वेश्चन, पीयूष जी उसके बाद अभी सेशन का आपने मुझे बताया था ना 40 मिनट्स का कुछ इसका था ये शायद। जी मैम थोड़ा सा एक दो बच्चों के क्वेरीज और हैं। यूपीएससी आईएएस लवर यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट करिए खुद को और क्वेश्चन पूछ लीजिए, वी आर अबाउट टू एंड। अनुप्रिया जी योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर लीजिए, तब तक यूपीएससी आईएएस लवर आपका जो क्वेश्चन था आप पूछ सकते हैं। हेलो मैं पूछ सकता हूं? यस सर मैम, मैं ये पूछ रही थी कि मैं भी मेडिटेशन और योगा करती हूं, अपना याद कर सकती हूं तभी वॉइस, योर वॉइस, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। You can ask in that chat box. आप chat box में question करिए। नारायण पिंपर, you can ask your question till then. नारायण जी अपना question रख सकते हैं आप? हाँ मैडम, good evening. Good evening. Good evening.
मैडम अगर मैं कभी कभी पढ़ने बैठ जाता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, तो मेडिटेशन से वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम? कभी कभी देखिए मेडिटेशन, अच्छा नींद आ जाती है आपको? ओके, अगर आपको नींद आ जाती है तो आपने योग निद्रा के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना, या सुना होगा, कभी सुना है योग निद्रा? नहीं मैडम वो तो नहीं पढ़ा है। अगर आपने नहीं सुना है ना, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिए, अगर आपके पास कुछ पेन पेपर है, योग निद्रा इसको आप लिखिए। अगर आपको पढ़ते हुए या फिर आप पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और आपको नींद आती है तो आपको सो ही जाना है। आपको क्या करना है, आपको सोना है, लेकिन आपको उसी सोते हुए लेटे हुए 10 मिनट अपने मेडिटेशन में अपने ध्यान को अपने अंदर लाना है और आप जो पढ़ने जा रहे थे उस सब्जेक्ट को अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि मैं ये पढ़ने जा रहा था, और जितना आपने पढ़ा है उसको लॉक कर लीजिए और फिर उसको अपने माइंड के अंदर रिपीट कीजिए। आपकी एकदम से आंखें खुल जाएंगी और आप वापस से एक्टिव हो जाओगे। कहते हैं ना कि नींद हमें तभी आती है जब हम अपने जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर हमारा जो गोल होता है, जो उद्देश्य होता है, उससे हम भटकते हैं। हमने उससे ना अभी तक अपना एक साधक कहते हैं ना कि हमें साधना लानी है अपने अंदर, हमें अपने अंदर ना थोड़े से ध्यान का आगमन करना है। उससे अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको नींद आना कम हो जाएगा, पर ऐसा भी नहीं है कि नींद आनी नहीं चाहिए। वैसे आप कितनी देर तक सोते हैं, कितना आप सोने का क्या आपका रूटीन है? हेलो मैम, उनका थोड़ा सा म्यूट कर लिया था शायद जी। हाँ कोई इशू नहीं है। हाँ मैडम हेलो नारायण जी, हाँ जी रात में छह से सात घंटे और फिर मैं जब दोपहर में पढ़ने बैठता हूँ। कोई बात नहीं, आप जब आप दोपहर में पढ़ने बैठते हैं तो आप थोड़ा सा जब आपको नींद आती है आप सो जाइए। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसको अपने माइंड में आपको लॉक करना है। लॉक करना पता है क्या होता है, हमने जो पढ़ा उसको अपने माइंड में फिक्स कर लिया और उसी को सोते हुए आपको रिपीट करना है, अफर्मेशन उसके अंदर लानी है, दोहराना है उसको सोते हुए। कहते ना कि कुछ ड्रीम होते हैं जो हम खुली आंखों से भी देखते हैं और वो सच भी हो जाते हैं, इंस्टीड ऑफ सोते हुए जो ड्रीम हमें आते हैं, जो सपना आता है ना, जो सोते हुए जिसका एक निश्चित एक टाइम पीरियड होता है कि वो सोते हुए ही आएगा। आप थोड़ा ना खुली आंखों से अपना एक जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको अपने माइंड में लॉक कीजिए और उसको सोते हुए दोहराइए, तो वो आपको याद भी रहेगा और आपकी ना थोड़ी सी नींद की जो ये कैपेसिटी है जो आपको आती है वो कम हो जाएगी। मैम सभी के क्वेश्चंस को क्लब करते हुए कुछ क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगा, जो कि मैं भी खुद एक यूपीएससी एस्पायरेंट होने के नाते जो मुझे खुद फेस होते हैं उन सभी इश्यूज को लेते हुए हम लोग एक क्वेश्चन को क्लब कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कई बार जो होते हैं टारगेट्स जो होते हैं हमारे अचीव नहीं होते हैं, उसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम उसको कैसे टैकल करें। दूसरा कि कई बार मैम ये होता है कि मतलब लगातार सक्सेसिव हमें फेलियर्स मिल रहे होते हैं और एक के बाद एक फेलियर्स मिल रहे होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि मतलब एक डिप्रेशन सा व्यक्ति में आ जाता है और मतलब उसके मन में ये रहता है कि आई शुड टेक सम रॉन्ग स्टेप, तो वो ख्याल कैसे मन में ना आए और कैसे मतलब अपने जो है चीजों के लिए अपने लिए कंटिन्यूस अपने गोल के प्रति समर्पित होकर लगा जाए, और मीन्स कैसे व्यक्ति को सेल्फ मोटिवेशन की जो हम बात करते हैं वो सेल्फ मोटिवेशन आएगा जी। पीयूष जी आपने बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे आपने मुझसे पूछे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी हम सुनते भी हैं, हम न्यूज में भी देखते हैं, हम हर जगह पढ़ते भी हैं, सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि आज इस बच्चे ने डिप्रेस होके सुसाइड कर लिया, तो वो सेल्फ मोटिवेशन उसमें उनमें होता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि उन बच्चों में भी सेल्फ मोटिवेशन होता है, उन्होंने भी अपना गोल निश्चित किया हुआ होता है, उन्होंने भी अपना टाइम मैनेजमेंट किया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो वो अपने क्या करते हैं ना, अपने जो अंदर की जैसे कहते हैं ना हमारी इनर वॉइस होती है और वो इसको इग्नोर कर लेते हैं। तो आपको ना डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इन सब चीजों से हट के जो आपकी इनर वॉइस होती है जिसे इंट्यूशन कहते हैं, आपको ना उससे बातें करनी है और उसके जो पाथ जो वो आपको डायरेक्शन देती है आपको उसको भी थोड़ा सा देखना है कि वो अब आपसे क्या बात कर रही है या फिर आपको क्या एक डायरेक्शन दे रही है। हमारे अंदर ना डिप्रेशन, देखिए हर किसी के साथ डिप्रेशन चलता है आजकल, तो एक ना उससे दोस्ती सी हो गई है डिप्रेशन। हर किसी से आप सुनने को आपको मिल जाएगा कि डिप्रेशन है, सब कुछ होता है उनके पास। वो आईएएस भी बन जाते हैं, उनको अच्छी जॉब भी मिल जाती है किसी किसी को कोई, देखिए आप मैं बताऊं सभी की जो जॉब होती है ना, ऐसा नहीं कहते हैं कि हर किसी की जॉब में अपना एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता या फिर वो इंसान खुश नहीं होता, क्योंकि सबको अपने अपने जो दायरे होते हैं, अपनी एक लिमिटेशंस होती है, अपनी लाइफ होती है, सबसे खुशी होती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि यार डिप्रेशन है। और सबको सबके पास सब कुछ होता है, बच्चे होते हैं, स्टडी, और कहते हैं कि पैसा भी होता है, कार होती है, अपना फैमिली होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस रहते हैं। तो डिप्रेशन का तो ना हमें अंदर ही अपना एक रूट कॉज है, जो उसको हटाना है वो यही है कि हमें अपनी इनर वॉइस से जो हमें डायरेक्शन वो देती है, पहली बात तो उसको हमें उसके डायरेक्शन को फॉलो करना है। और अगर हमें सेल्फ मोटिवेशन की बात करनी है तो हमें ना अपने अंदर अफर्मेशंस ऐड करनी है डेली, जो मैं अपने अभी सभी बच्चों को बता रही थी कि डेली में नोट डाउन कीजिए अपनी वो 10 बातें या अपनी वो 5 बातें जो आपको परेशान करती है,
और आप अगर चाहते हैं पीयूष जी या फिर जो भी बच्चे चाहते हैं कि मुझसे सेशन लेना चाहते हैं मेडिटेशन का या फिर मुझसे कभी उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है तो मोस्ट वेलकम, मेरे चैनल के माध्यम से भी वो जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कंसल्टेशन के माध्यम से भी वो जुड़ सकते हैं। आपको ना डेली अफर्मेशंस नोट डाउन करनी है, अपने अंदर की वो बातें लिखनी है जो आपको परेशान करते हैं। कहते हैं कि कुछ अनवांटेड थॉट्स होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद ना हमें बहुत गिल्टी होती है कि यार काश मैं इसको सुन लेता अपने अपने अंदर के विचारों से, मैं मेरे मन ने मुझे ये कहा था कि तुझे ये करना चाहिए था और वो नहीं करता। तो मैं पीयूष जी आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि ना हमें कभी भी ना डीमोरलाइज नहीं होना अपने आप को, ये नहीं बताना कि कहते हैं ना कि अगर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस को नहीं क्लियर किया, इसको इंडियन सिविल सर्विसेज को के एग्जाम को नहीं क्रैक किया तो हमें ना यहाँ पे हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, यहाँ से हमारी जिंदगी शुरू भी होती है। बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में हमारा वेट कर रही होती है। कहते हैं ना कि सारे, अगर मान लो कि आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब खत्म हो गए, सारी लिमिट, सबकी एज क्राइटेरिया सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है? बताइए पीयूष जी, नहीं खत्म होती है ना। तो देयर इज ऑलवेज अनदर चांस फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, लेकिन लाइफ के लिए ना कोई चांस वापस नहीं मिलता। तो इसीलिए जो सब चीजों के चांसेस है उनको आप अलाउ कीजिए अपनी जिंदगी में, और उनसे आपको मैं यही कहूंगी उनसे आप फ्रेंडशिप कीजिए, और अपनी इनर वॉइस को जो आपको बताने की कोशिश करती है उसको थोड़ा सा उसके डायरेक्शन को फॉलो कीजिए। मैम एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि मैम मैं ये पूछ रही हूँ, मेरा मैं कई चीजों को याद करती हूँ बट उन्हें समझ भी लेती हूँ, देन मुझे वो याद रहती है, क्या ये सही है चीजों को समझना समझा जाए या बजाय याद करने के? मीन्स उनका बेसिक क्वेश्चन ये है कि मैं चीजों को जो है समझती हूँ तो मुझे याद रहती है, तो क्या ये चीजें ये है कि याद करा जाए या समझा जाए? नहीं, क्वेश्चन देखिए एक्चुअली वो शायद पूछना कुछ और चाह रहे हैं पर वो लिख नहीं पाई है उस तरीके से। पहली बात तो ना किसी भी चीज को ना दोहराना भी नहीं है ना ही उसको याद करना है, आपको उसको समझना है। और कहते हैं ना कि देखिए आईएएस में जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, तो वो आपको ना ओवरऑल आपको टेस्ट करते हैं, है ना। जब आपका इंटरव्यू होता है, मान लो आप सिलेक्ट हो गए, आपका इंटरव्यू आया, आपको उन्होंने ओवरऑल आपका टेस्ट करते हैं, आपके जर्नल व्यूज, आपकी हिस्ट्री, आपकी साइंस, आपकी जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी नॉलेज होती है हर विषयों पर, जिंदगी को बहुत ही बारीकी से आपको वो टेस्ट करते हैं। आपसे वो ये नहीं कहते, अब उनको नहीं पता होता ना कि आप याद करके आप दोहरा कर कोई चीज आए हैं, वो तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज को ना याद नहीं करना है, उसको समझना है और बहुत ही बारीकी से उसको समझना है। क्योंकि हम अगर किसी भी चीज को ना, यहाँ पे मैं जो भी आपके डाउट्स जो भी क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ सभी के, मैं एक मनोवैज्ञानिक तौर पे कर रही हूँ, साइकोलॉजिकली जो फैक्ट्स होते हैं उनको मैं हल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको ना अपने क्वेश्चंस को दोहराना नहीं है, उनको याद नहीं करना, उनको समझना है। पहले उसके बैकग्राउंड को समझिए कि वो क्या क्वेश्चन क्या है, वो उसका ना यथार्थ, कहते हैं ना कि कंक्लूजन बाद में क्या निकलता है जब हमें टॉपिक ही नहीं समझ में आता है ना। तो सबसे पहले आपको ना हेडलाइंस उसको समझना है कि वो क्या है। और किसी का कोई डाउट हो तो वो ले सकता है और उसके बाद सेशन को हम फिर एंड करते हैं। अगर किसी का भी कोई डाउट है तो वो अपने आप को अनम्यूट करे। और नहीं एक्चुअली पीयूष जी मेरा सेशन है, अभी मेरा सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी पूछ लीजिए जी। अच्छा ठीक है, या यू कैन आस्क। हेलो, मैम इनका वॉइस नॉट ऑडिबल, मेरे पास वॉइस नहीं आ रही है। मैम ये कि ना अगर कोई पीयूष वॉइस में ना एक्चुअली बहुत इंटरप्शन है, आप ना चैट बॉक्स में उनसे मैम मैं ये बोल रही थी कि अगर जैसे अगर कोई मुझे डिस करता है ना कि बोलता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे या फिर नहीं हो सकता ये सब या फिर कोई कमी बताएगा है तो बहुत ओके। मैम इनका क्वेश्चन मैं समझ गया, इनका क्वेश्चन ये है कि मतलब बहुत लोग जो है डीमोटिवेट करते हैं। मैं समझ गई हूं क्वेश्चन जी, डीमोटिवेट करते हैं तो इनका नाम मुझे नहीं समझ में आया, नाम क्या है इनका? यूपीएससी आईपीएस कुछ लिखा हुआ था शायद। जी जी, हम कई बच्चे ना नाम आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पुट अप किया है। हाँ नहीं, आपने यूपीएससी आईएएस जो भी आपका, मुझे एक्चुअली नाम मुझे नहीं यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। जो भी आपको चैलेंज करता है या आपको डीमोटिवेट करता है कि आप ये नहीं कर सकती है ना, आप उनके चैलेंज को ना एक्सेप्ट कीजिए और उनको आप ना उनके सामने बोलिए कि हाँ मैं ये नहीं कर सकती हूँ, और उस चैलेंज के सामने ना आप डेट लिखिए और डेट के साथ आपको क्या करना है उस उनके चैलेंज को आपने एक डेट दे दिए तो फिर आपके आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन अपने अंदर लानी है कि मैं ये करके रहूंगी। और आप अपने जिस दिन आप अंदर अपने ये लाएंगी ना कि आप ये करके रहेंगी तो उस चैलेंज को आप बहुत बखूबी से निभा पाएंगी। मैम एक लास्ट बोलता है, मेरी दीदी का कॉल आया था तो वो ये भी बोल रही थी कि जैसे इसमें कुछ फिजिकल टेस्ट भी होता है यूपीएससी आईएएस में, तो आईज वीक है तो आप कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, तो उस तरह से अगर कोई डीमोटिवेट करता है कि जैसे हमने अपनी मेहनत से तो पा लिया और फिजिकल के तरीके से या फिर हमारी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से या फिर कुछ हो जाए
देखिए पलक जी, आपको मैं बताऊं, आप कोई भी आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए हर परीक्षा में हम अगर किसी भी, अगर हमें अच्छी जॉब अगर हमें चाहिए, अच्छी सर्विसेज हमें चाहिए और अपनी लाइफ आपकी इस पे निर्धारित हो जाती है ना, तो पहली बात तो ना इन क्वेश्चंस को आपको इग्नोर करना है। बॉडी लैंग्वेज कुछ भी हो, फिजिकल अपीयरेंस कुछ भी हो, वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप उस स्टेज को क्रॉस करेंगे, है ना। आपने बोला कि आप फिजिकल अपीयरेंस आपका कुछ भी हो, आपकी आईज वीक हो, कोई ये सब चीजें मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने इसको एग्जाम को कैसे क्रैक किया है, आपके कितने मैथमेटिकली आपने इसको कैसे स्कोर किया है। सारी कहानी यहीं पर खत्म है, सभी की गाड़ी खत्म है, मैथमेटिकली आपको स्कोर लाना है, ठीक है। यहाँ पे कोई फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज ये सब मायने नहीं रखती, मैं इसको नहीं मानती हूँ इन बातों को। मैथमेटिकली हर कोई जीरो है जब वो उसको वो अंक नहीं लेके आते। मैम एक लास्ट क्वेश्चन के साथ जो है, पीयूष जी मेरा ना सेशन है, मेरा सेशन ओवर होने वाला है, मुझे एक सेशन लेना है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन के साथ जो है सेशन को एंड करते हैं कि बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता है क्योंकि सिलेबस इतना है कि इसके सिलेबस को जो है समुंदर बोला जाता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमें नहीं पढ़ना है, और कुल मिला के सिलेबस का बर्डन है, प्रेशर इतना ज्यादा है, सर्विसेज में भी आ जाए तो प्रेशर इतना ज्यादा है कि मतलब अनमैनेजेबल प्रेशर है एक आम आदमी के लिए। सो हाउ टू मैनेज दैट प्रेशर, और इस प्रेशर में भी हम कैसे बेहतर परफॉर्मेंस ला सकते हैं और अपना जो एफिशिएंसी लेवल है उसको कैसे बढ़ाया जाए। मैम लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया। जी जी पूछ लीजिए आप। मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी हाँ मैम, जब मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि हम पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करें, मतलब हम ग्रुप में काम करते हैं तो कोई एक बंदा होता है उसका हमारे ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, तो हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उसके वो जैसे बोलता है वैसे काम कर लेते हैं, तो हम वो प्रेशर को कैसे हैंडल करें। आपको हैंडल अपने आप ही करना है ना। आप एक बात बताइए, हमें किसी के इन्फ्लुएंस में आना ही क्यों है। अगर अभी आप मेरे से बात कर रही हैं तो क्या आप मेरे इन्फ्लुएंस में आ गई हैं? आपको क्या लगता है मैंने आपको जो जो स्टेप्स बताए हैं वो सभी फॉलो करेंगे? ऐसा नहीं होता ना। आपको अच्छा लगेगा, इंस्पिरेशन, एक मिनट सुनिए, आपको मुझसे इंस्पिरेशन मिलेगी या आपको मैंने कुछ यहाँ पे अच्छे टिप्स बताए हैं तो ही आप उनको फॉलो करेंगे और तो ही आप उनके इन्फ्लुएंस में आएंगी। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, मुझे नाम, मैं यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है स्क्रीन में, कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में, आपको किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना। अगर आपके काम से किसी को खुशी मिलती है तो मिले, लेकिन आपका जो गोल है, जो आपका एम है, आपको उसको जरूर फॉलो करना है। उसके लिए एक डिटर्मिनेशन लाइए, एक दृढ़ता लाइए, एक डिसिप्लिन लाइए, तो आपको लगेगा कि आपको ना आपने खुद ही उनसे टैकल कर लिया। कभी कभी होता है कि ग्रुप में सभी मेंबर सही, सबको मतलब कि एक बंदा सही है तो उसी के वे में जाना चाहिए, और आप कुछ अलग कर रहे हो। नहीं, अलग कर रहे हैं तभी तो हम आईएएस बनेंगे ना, तो अलग ही तो बनना है हमें। हजारों की जीत में हमने ही तो आगे बढ़ के, कहते हैं ना कि जी आप Hello? मतलब मैं जो बोल रही हूँ आप समझ नहीं पा रहे हैं। जी फिर से बताइए, फिर मैं समझने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली मैं ये बोल रही हूँ कि देखो अब हमें मैथ का कुछ सॉल्व करना है तो उसके बहुत सारे मेथड्स होंगे, कोई वैदिक मैथ की मतलब सॉल्यूशन उस पे अप्लाई करेंगे या कोई नॉर्मल जो मैथ हम सॉल्व करते वैसे सॉल्व करेगा। तो मैं यही कह रही हूँ कि मुझे इस साइड में जाना है या इस साइड में जाना है, ये हम जब ग्रुप में काम करते तब वो डिवाइड हो जाता है। तो अब मैं बताऊँ आपको, मैथ्स की अगर आपने बात करी है ना, मैथ्स की आपने बात करी है तो मैथ्स तो फॉर्मूले पे डिपेंड होता है मैडम, है ना। अगर आपने ग्रुप में आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, हेलो हेलो जी मैम, उन्होंने शायद नोट हो गया था उनका। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि ना मैथ्स तो फॉर्मूले पर ही डिपेंड करता है। अगर ग्रुप में 10 लोग एक ही फॉर्मूले पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, है ना। मैं यही बोलना चाह रही थी उनको। जी मैम, वो क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर मिल जाता है कि प्रेशर कैसे हैंडल किया जाए और कैसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, तो उसके साथ वही पीयूष जी मैं बताना चाहूंगी आपको। जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया था पीयूष जी, एक्चुअली आपने समझ की बात करी थी। हाँ जी, इसमें मैम एक क्वेश्चन और जोड़ दो मैम, आजकल ड्रग अब्यूज भी बहुत कर रहे हैं बच्चे, तो इससे रिलेटेड आप बता दीजिए इसमें ही जोड़ के। हाँ इसी में पहले प्रेशर को हैंडल करने के लिए कई बार हम गलत तरफ चले जाते हैं, तो मैम उसको भी जोड़ लीजिए इसी में। जी अब देखिए पीयूष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि आपने समंदर की बात करी थी कि एक ना आईएएस की प्रिपरेशन के लिए समंदर जैसे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, तो बहुत लंबा चौड़ा सारा हमारे पास सिलेबस हो जाता है। तो आपने ये भी देखा होगा जब समंदर शांत रहता है ना, जब समंदर एक शांत रहता है तो उसमें ना उतना मजा नहीं आता, लेकिन जब समंदर में एक तूफान आता है और तूफान पे जब वो कश्ती चलती है तो उसको हैंडल करने का अलग ही मजा होता है, जब हम उस नौका को रो करते हैं, चलाते हैं, है ना, और फिर वो लहरें आती हैं। तो इसीलिए जिंदगी में क्या होता है ना, स्ट्रेस और ये जो प्रेशर है ये हमारे, इसको एक पार्ट समझ के आपको उसी तूफान को जो हमारे समंदर की तरह हमारे सामने आते हैं उनको लड़ना है, और बहुत ही प्यार से और बहुत शांति से लड़ना है। और जो बच्चे ड्रग अब्यूज की तरफ जाते हैं, मेरा उनसे
एक यही एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि हर चीज का सोल्यूशन ना ड्रग अब्यूज नहीं होता, या फिर हम मैं कहना चाहूंगी कि एडिक्शन नहीं होता. किसी किसी को एडिक्शन अपनी पढ़ाई का भी होता है, तो वो पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है. उसको स्टूडियस कह देते हैं, है ना, उसको कहते हैं कि ये बच्चा तो पढ़ता ही रहता है. तो आपको ना अपने जो कहते हैं कि एडिक्शंस को उसमें भी लिमिटेशंस लानी है. उसको 10-15 दिन तक ना उसकी तरफ से अपने आप को डाइवर्ट करके देखना है. और बहुत सी मोटिवेशनल स्पीकर्स की बुक्स होती हैं, आप या फिर किसी भी जो भी चीज को आपको अच्छा लगता है उसको थोड़ा सा उस तरफ उसको अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, तो आपकी लाइफ में जरूर चेंजेस आएंगे. तो प्रेशर वाले जो आपने बात करी थी पीयूष जी, मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको थोड़ा सा सलूशन तो दिया ही होगा जी मैम, या फिर आंसर देने की कोशिश की है. बिल्कुल मैम. तो मैं इस सेशन को यहाँ पे मैम अभी तो सेशन को एंड करने के लिए मैं कुणाल जी को इनवाइट करूंगा. कुणाल जी प्लीज सेशन को एंड करने के लिए आ जाइए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम रियली थैंक यू. मैं आईएएस से एसोसिएटेड हूं एंड आपका ये सेशन मुझे, यानी मैं बहुत देर से आपका सेशन सुन रहा हूं एंड आई वाज लाइक कि इतना अच्छा मैंने आज तक कभी नहीं सुना किसी को बोलते हुए. सो मैम आपने हम सबको जो गाइड किया है ये गाइडेंस के साथ हमारे स्टूडेंट्स बहुत आगे जाएंगे एंड सब आपको थैंक यू बोलेंगे सेशन के बाद. आई नो अभी भी कमेंट्स में चालू हो गया, थैंक यू. सो या मैम आई एम स्पीचलेस, मतलब आपने जो टाइम निकाला एंड गाइड किया हम सबको, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट. तो मैम जाते जाते दो 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 लाइनें कहना चाहूंगा. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है. पूछा चिड़िया से जब कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है. तो अभी हम सब उसी दौर में हैं जब तिनका तिनका उठा रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग आप जैसे लोग जब हमारे साथ जुड़े हैं तो वी विल डेफिनेटली अचीव आवर गोल, और हमारी मंजिल भी एक दिन हमारे पास होगी, और डेफिनेटली वी विल बी समवेयर. अगर सिविल सर्विसेज में नहीं भी आए तो एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह, समाज में एक सोशल वर्कर की तरह, एक जो है अच्छे व्यक्ति की तरह हम लोग जो है समाज को कुछ दे पाएंगे और समाज के लिए कुछ कर पाएंगे. सो इसी के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं. कल मिलेंगे किसी ऐसे ही मोटिवेशनल सेशन के साथ. मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैम अपने बिजी शेड्यूल में इतना टाइम निकाला, और अभी भी मैम का अगला सेशन है तो मैम फिर भी आधा एक घंटा हमारे लिए एक्स्ट्रा निकाला. मैंने 40 मिनट बोले थे बट 1.5 घंटे से ऊपर मैम ने समय दिया. सो मैम थैंक यू वेरी मच, और एंडिंग रिमार्क्स अगर आप कुछ देना चाहें तो. थैंक यू, ब्लेसिंग्स टू ऑल, ब्लेसिंग, बेस्ट विशेस, सभी को मेरी बेस्ट विशेस हैं. और बिल्कुल निराश नहीं होना, और बस अपनी जिंदगी में एक और गोल को ऐड कीजिए, 10 मिनट सिर्फ मेडिटेशन को दीजिए. मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट अपनी आईज आपको डेली क्लोज करनी है और खुद से जरूर बातें कीजिए, और क्या चेंजेस आपके सामने आते हैं जरूर मुझे बताइएगा. मेरे यूट्यूब चैनल से भी आप सभी जुड़ सकते हैं. शांति वेलनेस सेंटर के नाम से मेरा चैनल अवेलेबल है यूट्यूब में, आप सभी उससे जुड़ सकते हैं. आपकी कोई भी क्वेरीज होगी मैं जरूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी. थैंक यू पीयूष, आपने मुझे सेशन के लिए इन्वाइट किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस.